वक्त की बड़ी खबर आ रही है आगरा से, जहां सिकंदर की गला रेतकर हत्या हो गई। अवैध संबंधों में दिया गया हत्याकांड को अंजाम। जी हां, पड़ोसियों पर है हत्या का आरोप। आरोपी इस दौरान फरार है और पुलिस जांच में जुटी हुई है। आरोपी की पत्नी से थे सिकंदर के अवैध संबंध। ये पूरा मामला रकाबगंज थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। तीनों बेटन ने आगे पूरे घर ने मिलके नहीं, मेरा भैया ऐसे मारा, तीन चार आदमी ने लेकर मारा, चप्पू चप्पू भोगे, बाकी आग निकाल दी है, पूरी घायल का तो वो, और माने बाकी बहू ने अभी तक पीछे ना छोड़ा मेरे भैया को। आखिरी फोन मेरे भैया ही तो कर रही, बाकी बाकी लुगाई और तब माने मेरा बहू मेरा भैया मरवाया, बाग ने अपनी लुगाई चौनी मारी माने, अब आखिरी कौन भैया करो माने, मेरा भैया पूरा के थे वो कह बाबा आदमी कह तो जानते मार दंगो तो है, और मेरे भैया माने जानते ही मार दया, मेरे भैया माने जानते मार दया, वो तो जा कह रही कि मैं जान लो के तो बातें के, और बाकी बहू बाकी पीछे पर गई, यो कह रही नहीं मैं चाहिए तो शादी करूंगी, बाकी पीछे पर गई लड़की ने मरवा दया वो। बड़ी खबर आ रही है देवरिया से, जहां जिले के पथरदेवा विधानसभा क्षेत्र के गढ़रामपुर में स्कूली छात्र छात्राओं ने तिरंगा यात्रा की प्रभात फेरी निकाली, जिसमें क्षेत्रीय विधायक व उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही भी शामिल हुए। इस दौरान मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और अपने संबोधन में कहा कि आज पूरा देश आजादी के अमृत महोत्सव को मना रहा है। पर 2 अगस्त से लेकर के 17 अगस्त तक पूरे एक पखवाड़ा देश में विभिन्न कार्यक्रमों को किए जाने का प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया है, और उसी कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम लोग देवरिया में नौतप्पी इंटरमीडिएट कॉलेज के छात्रों और युवकों और अभिभावकों और यहाँ के जो सम्मानित नागरिक हैं उनके माध्यम से यहाँ हम लोग प्रभात फेरी का कार्यक्रम रखे हुए हैं। इसका संदेश हर घर पर तिरंगा लहरे और उसके लिए लोगों में उसकी जागरूकता हो, इस नाते यह जागरूकता अभियान चला रहे हैं। गाँव में शहरों के भीतर सफाई का कार्यक्रम, कुछ स्थानों पर जो है वो स्वास्थ्य कैंप, कुछ स्थानों पर जो है अनुसूचित बस्तियों के भीतर संपर्क करके उनके घरों पर और मुसहर जाति के लोगों के यहाँ झंडा लगाया जाना, समाज के अंतिम व्यक्ति से लेकर के और अग्रणी पंक्ति तक खड़े लोगों के घर पर यह हमारा राष्ट्रीय तिरंगा झंडा लहर जाए, यह उद्देश्य है, जिससे सबके मन में देश के भीतर देश की आज़ादी के लिए बलिदान कर जिन लोगों ने वीर सपूतों ने किया, फांसी के फंदों को जिन्होंने चूमा, उनका स्मरण करते हुए हमारा देश उनके उस त्याग और बलिदान के आधार पर अगले 25 साल का वो लक्ष्य तय करके अपना देश दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश बने, इस लक्ष्य के साथ यह प्रयास भारत सरकार के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी सरकार, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सब मिलकर के इस काम को गति दे रहे हैं। हमारी सारे प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी सब अपने अपने क्षेत्रों के भीतर इस अभियान को आगे की ओर बढ़ाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से, जहां पुलिस ने शमसी रजा अपहरण कांड का खुलासा कर दिया है। दोस्तों के साथ मिलकर रची खुद अपने अपहरण की शमसी ने साजिश। जी हां, एक की गिरफ्तारी और इसमें 2 की तलाश अभी भी जारी है। रिटायर्ड दरोगा के बेटे और एक अन्य को प्लान में शामिल किया गया था। शमसी रजा ने अपने ही परिजनों से पैसे के लालच में ये पूरी साजिश रची थी। थाना सादतगंज के अंतर्गत 5 तारीख को एक तहरीर मिली थी, इसमें एक व्यक्ति का अपहरण होने का बात को लेकर 4-5 अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसमें 4-5 अज्ञात व्यक्ति द्वारा किडनैप करके पैसे मांगने की बात कही गई थी, और इस संबंध में ACP बाजार कला, ACP क्राइम सदतगंज टीम, क्राइम ब्रांच टीम द्वारा इस घटना का अनावरण किया गया है। और ये घटना एक्चुअली जो किडनैपिंग जो बताया गया था, ये किडनैपिंग का नहीं हुई थी, और इन्होंने कुछ पैसे को हड़पने को उद्देश्य से ये खुद घटना का रचना की गई थी। इसमें जो किडनैप्ड व्यक्ति है वो उनको हमने सकुशल बरामद कर लिया है, मगर जब पूछताछ में वो खुद ही इस घटना में शामिल है, अपने
जो रिश्तेदार का जो पैसा हड़पने के लिए वो खुद इस अपने दो दोस्तों के साथ इस घटना का पूरा एक प्लान बनाया था और अपने दो दोस्त जो किडनैप्ड जो व्यक्ति जो सो कॉल्ड है जो वो हमारे हिरासत में है, आज उनको माननीय न्यायालय के सामने सुसंगत धाराओं में पेश किया जा रहा है और इस घटना के प्लानिंग में और इस घटना का अंजाम देने में दो व्यक्ति और शामिल है, उनका गिरफ्तारी के लिए हमारा टीम लगी हुई है और जल्दी से जल्दी उन दोनों का गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और जो शमसी के पास से जो 50,000 रुपये बरामद किया गया है और कुल ये लोगों ने 4,00,000 रुपए का जो हड़पने का उद्देश्य बनाया था उसमें से 50,000 रुपए बरामद हुआ है, शेष जो पैसा है अन्य दो अभियुक्त है उनके पास से होना बताया गया है। जल्दी से उन दोनों का गिरफ्तारी करके जो घटना में प्रयुक्त वाहन को भी हम लोग बरामद करने की प्रयास कर रहे हैं। इस घटना को अनावरण करने के लिए सीपी सर द्वारा 20,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। सर इसमें 4,00,000 रुपए जो उसने पहले इसमें इन्होंने जो एक पुलिस को बदनाम करने का भी कोशिश किया है कि ये खुद ही घटना का प्लान करके एसटीएफ का नाम लेकर उन्होंने उठा के ले करके यहाँ वहाँ एक सनसनी फैला दिए थे और अभी तक पूछताछ में 4,00,000 रुपए का घर से लेके जाके देने का बात कही गई है और अभी अन्य दो अभियुक्तों का गिरफ्तारी हम लोग करने के बाद गहराई से पूछताछ किया जाएगा। जितने भी पैसा इन लोगों ने जो हड़पने की जो प्लान किया गया है उस पे हम लोग पूरा वर्क। खबर आ रही है छत्तीसगढ़ से, जहां कोरबा पुलिस अधीक्षक कोरबा संतोष सिंह द्वारा जिले में पदभार ग्रहण करने के उपरांत समस्त थाना चौकी पुलिस सहायता केंद्र प्रभारियों का मीटिंग लेकर अपराधी एवं असामाजिक तत्वों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही अवैध नशे के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई शुरू की गई है, जिसके बाद पुलिस थाना पुलिस चौकी द्वारा 7 दिवस में अवैध शराब एवं नारकोटिक्स एक्ट के अंतर्गत अभियान चलाकर कार्रवाई की गई। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है हरदोई से, जहां शाहबाद भारतीय किसान यूनियन अवध संगठन के किसान नेता राहुल मिश्रा की अगुवाई में उपजिलाधिकारी शाहबाद को 12 सूत्रीय ज्ञापन सौंपते हुए कहा गया कि सरकार की मंशा है कि सरकारी भूमि तालाबों व चारागाहों को अवैध कब्जा से मुक्त कराया जाए, लेकिन गांव से लेकर पालिका स्तर पर सरकारी भूमि पर अवैध कब्जेदारों का कब्जा कायम है। आज भारतीय किसान यूनियन अवध संगठन के साथ आकर दर्जनों किसानों ने उपजिलाधिकारी शाहबाद को एक 13 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा है, जिनमें विकासखंड पिहानी और विकासखंड टोंडरपुर में जो गांवों में अवैध तरीके से चारागाहों और सरकारी भूमि पर कब्जा कर रखा गया है उनको कब्जा मुक्त कराने को लेकर के, नगर पालिका पिहानी में ऐसे कई प्राचीन तालाब हैं जिन पर अवैध निर्माण हो चुके हैं उनको कब्जा मुक्त कराने को लेकर के, और जो पिछले वर्ष एक ज्ञापन दिया गया था जल सत्याग्रह के दौरान उनमें कार्रवाई हुई है या नहीं हुई है अभी तक किसानों को अवगत नहीं कराया गया है, उस विषय पर भी प्रशासन का संज्ञान ग्रहण करने की बात कहते हुए आज कई किसानों ने साथ आकर के ज्ञापन दिया है और साथ ही यह मांग रखी गई है कि 13 तारीख तक अगर इन सभी मांगों का निस्तारण नहीं किया जाता है तो तहसील परिसर में ही सैकड़ों किसानों के साथ भारतीय किसान यूनियन अवध संगठन के पदाधिकारी और किसान धरना प्रदर्शन करने को विवश होंगे। जय जवान। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबर, आगे खबरों के लिए बने रहिए TTN 24 के साथ, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।